अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फ्रेंड्स, आज इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम आपको ले जाएंगे शहर से करीबन करीबन 9 किलोमीटर दूर। खूब जमेगा रंग जब हम और आप होंगे संग। दोस्तों आगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारा ये सफ़र बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो देखने के लिए हमारे साथ रहिए। दोस्तों हमारा यहाँ रुकने का एक ही मकसद था, चलते चलते आपको दिखाता चलें। ओ जो सामने आपको दिखाई दे रहा है एक छोटा सा मस्जिद शरीफ, ये मस्जिद इस वीराने में किसने बनाया ये भी आपके साथ आगे शेयर करेंगे। और इससे थोड़ा दूर एक जगह है जबल नूर, जहां एक कमरा बनाया गया है जिसमें कुरानी आयात, सिपारे या शहीद कलाम पाक हों इसी कमरे में रखे जाते हैं ताकि सेव हों। अल्लाह के फजल करम से हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। पहुंचते ही सबसे पहले कावा चाय, जिसको हम बलोची जुबान में तालचा कहते हैं। जंगल को मंगल यही कावा चाय तो बनाए। इस चाय का रिश्ता हमसे बहुत ही पुराना रिश्ता है। दोस्तों ये जगह सूफी जान के नाम से जाना जाता है। सूफी जान कौन थे? सूफी जान खुदा के एक मुंतखब करदा बुज़ुर्ग थे। बगुफ्तार हमारे बुज़ुर्गों के तकरीबन 25-30 साल पहले सूफी जान शहर से दूर इस जंगल में अपनी ज़िंदगी बसर करते थे। ये छोटे छोटे कमरे जिनाब ने अपने ही मेहनत से बनाए और आज भी हमें इन जगहों से प्यार है, क्योंकि हम भी जनाब सूफी मोहम्मदीन साहब के मुरीदों में शामिल हैं। दोस्तों ये भी जनाब के मेहनत का एक रंग है जो आज भी फैजदार है। ये जो यहाँ एक डैम सा बना हुआ है ताकि यहाँ बारिश हो और बारिश का पानी जमा हो, और ये पानी कोई जानवर या मुसाफिर या कोई चरिंद परिंद इस्तेमाल कर सके। कहते हैं ना कि जहाँ पानी नहीं वहाँ ज़िंदगी नहीं। और ये वो कुआँ है जो उसी ज़माने का बनाया हुआ है, जिसका पानी जनाब सूफी मोहम्मदीन साहब अपने पीने और खाने के लिए इस्तेमाल करते थे। दोस्तों अगर खुदा के वलियों की ज़िंदगी किसी ने देखी हो तो अक्सर जंगल में गुजरी है। यूं समझ लें कि जंगल को उनसे और उनको जंगल से प्यार है। और इससे थोड़ा आगे जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है एक मस्जिद शरीफ, तो अभी हम जाएंगे मस्जिद शरीफ की तरफ, तो साथ रहें।
दोस्तों अभी हम खड़े हैं बिल्कुल ही बिल्कुल मस्जिद शरीफ के करीब, और हम अब अंदर जाएंगे और अंदर के मनाजिर भी आपको दिखाएंगे कि जनाब सूफी मोहद्दीन साहब ने इस मस्जिद के लिए कितनी मेहनत की। सद्दाम भाई, राजिक भाई, रियाज भाई आज एक अलग ही आइटम बनाने वाले हैं, और इस आइटम का मज़ा लेने के लिए थोड़ा इंतज़ार करें। इस दावत का मज़ा हम और आप मिल कर लेंगे। दोस्तों 2 घंटे बाद अभी तक खाना तैयार है या नहीं है, आइए पूछते हैं राजिक भाई और सद्दाम भाई से। राजिक भाई, यार मैं भूख से निडाल हो गया यार। सद्दाम भाई कैसा, तैयार है नहीं है? बिरयानी तकरीबन तैयार है। आप थोड़ा नजदीक करिए, दिखाएं बिरयानी। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खुशबू है, माशाल्लाह माशाल्लाह। राजिक भाई आपका ये तैयार है, बस इसको सिर्फ दम देगा थोड़ा, दम देगा थोड़ा। बलोची में कहते सरग, सरग क्या सरग। आज का हमारा ये खाना माशाल्लाह सद्दाम भाई राजिक भाई की मेहनत से, मेरे ख्याल में तो मैं सूंघ सूंघ के मैं बेहोश हो जाऊंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक तरफ है बिरयानी और एक तरफ है ये सद्दाम भाई का श्री पाया जो कि। दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग और आज का हमारा सफर जो कि अल्लाह के फजल करम से बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार गुजरा। और अभी हम जाने वाले हैं वापस अपने मंजिल की तरफ। तो दोस्तों दुआओं में याद रखना, इंशाल्लाह ऐसे मजीद वीडियोस और व्लॉग आपको दिखाएंगे। ऐसे जगह हमारे इलाके में बहुत हैं और इंशाल्लाह आपको ज़रूर ज़रूर दिखाएंगे अपने अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह। फिलहाल दुआओं में याद रखना, वस्सलाम।